जो समय बीतते बीतते अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मैच्योर होते हैं और अधिक उपयोगी होते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक 4 दशक 5 दशक आते आते ही स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंस ही खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। साथियों, पिछली बार जब मैं यहां आया था, आप लोगों से मुलाकात हुई थी, तब हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे थे। उस कार्यक्रम में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और आज जब ऑडिट डे का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है तो देश अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें देश की अखंडता के नायक सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला है। गांधी जी हो, सरदार पटेल हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर, राष्ट्र निर्माण में इन सभी का योगदान सीएजी के लिए, हम सभी के लिए, कोटि कोटि देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश के लिए कैसे बड़े लक्ष्य तय किए जाते हैं, कैसे उन्हें हासिल किया जाता है, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, इन महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी और कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि बाबू लोग ऐसे हैं, ऐसा ही देते हैं। बाबुओं को लगता था सीएजी वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्ख ही नजर आता है। हर एक की अपनी अपनी बात थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।